प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 का पाठ पढ़ेंगे। क्या निराश हुआ जाए, क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहले हम इनका परिचय जानेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 में बलिया में हुआ था। इनकी मृत्यु 19 मई 1979 को हुई थी। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। वे कई भाषाओं के विद्वान थे। ये आधुनिक काल के कवि थे। लेखक कहते हैं कि रोज अखबार में तस्करी, भ्रष्टाचार आदि के समाचार पढ़कर मेरा मन बैठ जाता है। एक बार एक सज्जन ने कहा था, जो कुछ काम नहीं करता वह सुखी है। काम करने वालों में तो लोग दोष ढूंढते हैं, और केवल दोष ही नहीं, बहुत सारे दोष ढूंढते हैं, क्योंकि जो काम करता है दोषी उसको ही माना जाता है। आगे लेखक कहते हैं कि भारतीय शास्त्रों ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया है। भारत के अंदर तो त्यक्तेन भुजितान की जो पद्धति है उसको अपनाया गया है। भारत में दीन गरीबों को देखकर कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन जिनको ये कार्य करने हैं वे अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, भटक जाते हैं और केवल अपनी ही सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि भारत में कानून को सदा धर्म के रूप में देखा जाता है। कानून को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन धर्म को नहीं। लोग कानून की कमियों को ढूंढते हैं और फिर उनसे पूरा लाभ उठाते हैं, उनसे अपना फायदा उठाते हैं। बच्चों, इसके आगे का भाग हम भाग 2 में पढ़ेंगे।